आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कौन कौन से ऑलराउंडर को कैसे पे पिक करने वाली है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसीबी की टीम कौन कौन से ऑलराउंडर को अपने टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है रेडियाना। रेडियाना 2010 से इंडिया में काम कर रही है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स है, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में। और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉल मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट प्रूफ देखने के लिए आप लोग यहाँ पे सीधे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले आरसीबी की टीम के बारे में। तो गाइस यहां पे आरसीबी की टीम यहां पे कौन कौन से ऑलराउंडर को पिक करने वाली है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं बेन स्टोक। जी हाँ गाइस यहां पे बेन स्टोक, अगर हम लोग ऑलराउंडर की बात करेंगे और यहाँ पे बेन स्टोक की बात नहीं करेंगे ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि गाइस वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वर्ल्ड की अगर हम लोग बात किया जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड इनका पूरा तरीके से नाम चलता है बेन स्टोक का जब भी क्रिकेट ऑलराउंडर की बात आती है। एंड गाइस यहां पे आरसीबी की टीम है पूरी तरीके से बेन स्टोक को इस पर टारगेट करने वाली है एंड आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में बेन स्टोक को टारगेट करके अपने टीम में इंक्लूड करने वाली है आरसीबी की टीम। तो गाइस इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग यहां पे दूसरे खिलाड़ी के बारे में। दूसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बात करें तो गाइस इस साल के मेगा ऑक्शन में हम सभी को हार्दिक पांड्या ऑक्शन में नजर आने वाले हैं एंड गाइस हम सभी को जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इनके पीछे भागते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे आरसीबी की टीम इनको अपनी टीम में इंक्लूड करती है तो गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में काफी अच्छा आ जाएगा एंड हार्दिक पांड्या के आ जाने से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में एक मजबूती आ जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे बैटिंग की बात करें तो बॉलिंग के एक ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या जो कि गेंदबाजी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम को एक एक्स्ट्रा गाइस पे गेंदबाज मिल जाएगा हार्दिक पांड्या के रूप में। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या गाइस पे इस बार ऑक्शन में नजर आने वाले हैं एंड गाइस पे आरसीबी की टीम इनको भी इंक्लूड कर सकती है, क्योंकि कुणाल पांड्या की बात करें तो बैटिंग में अच्छी परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में एक दो सालों से गाइस परफॉर्म करते हैं हम सभी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन गाइस अब हम सभी को नजर आ सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की आईपीएल में तो गाइस काफी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस सब सभी को करते नजर आए हैं कुणाल पांड्या। और गाइस उसके साथ साथ गाइस पे गेंदबाजी भी काफी अच्छी कर लेते हैं एंड विकेट चटकाते हैं गेंदबाजी में लगातार। तो गाइस पे आरसीबी की टीम इनके पीछे भी भाग सकती है एंड गाइस इनको इंक्लूड कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो गाइस अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी के बारे में। तो चौथे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे उनका नाम है क्रिस वोक्स। जी हाँ गाइस यहाँ पे क्रिस वोक्स की बात करें तो गाइस ये भी एक बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, गेंदबाजी की बात करें बल्लेबाजी की बात करें इंग्लैंड के खिलाड़ी है, तो गाइस यहाँ पे ऑलराउंडर खिलाड़ी है एंड गाइस इंग्लैंड के जितने भी सारे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं सभी के सभी टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। तो गाइस यहाँ पे क्रिस वोक्स को भी अगर यहाँ पे आरसीबी की टीम इंक्लूड करती है तो गाइस काफ़ी अच्छा रहेगा आरसीबी की टीम के लिए। गेंदबाजी में पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, डेथ में भी गेंदबाजी कर देते हैं एंड गाइस पे बल्लेबाजी में भी काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं क्रिस वोक्स। तो गाइस पे इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो गाइस सब बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के बारे में। नेक्स्ट जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है शिवम दुबे। जी हाँ शिवम दुबे की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट ईयर उन्होंने काफी अच्छा पारी खेला था एक दो मैचों में एंड काफी तूफानी पारी खेला था शिवम दुबे ने, आके उन्होंने पूरी तरीके से मैच को ही बदल दिया था एंड गाइस यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा हम सभी को नजर आते हैं परफॉर्म करते हुए शिवम दुबे, और इस साल के मेगा ऑक्शन में हम सभी को नजर आने वाले हैं और आरसीबी की टीम में पहले एक बार शामिल हो चुके हैं एंड आरसीबी की टीम में इनका डेब्यू हुआ था। तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम इनको फिर से एक बार इंक्लूड कर सकती है आईपीएल 2022 के लिए। तो गाइस इन खिलाड़ी को गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम कर सकती है इंक्लूड आईपीएल 2022 के लिए। तो गाइस आपका इस पर में जो भी ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।